इंडिया और न्यूजीलैंड के T20 मैच शुरू होने से पहले ही इस खिलाड़ी की गई जान, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, और मेरे समय लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हो चुका है और तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया था। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के 3 मैच के बाद आज भारत और न्यूजीलैंड के साथ T20 मैच खेला जाएगा। दोस्तों, यह मैच भारत के रांची स्टेडियम में खेला जाएगा और यह T20 मैच भारतीय अनुसार 7:30 बजे शुरू होने वाला था कि अचानक दोस्तों एक बुरी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर क्रिस क्रेंस के अभी अस्पताल में भर्ती। दोस्तों, हालत इतनी बुरी है कि उस खिलाड़ी की कभी भी जान जा सकती है। दोस्तों, यह खबर सुनते ही पूरे कीवी टीम रो रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि क्रिस क्रेंस की NI एजेंसी के अनुसार उनके शरीर की जो मुख धमनी की परत है वो फट चुकी है, जिससे उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, इस खिलाड़ी को इसी सप्ताह केनवारा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, इस खिलाड़ी की हालत इतनी बुरी खराब है कि इस खिलाड़ी की मौत कभी भी जा सकती है। दोस्तों, बता दें कि क्रिस क्रेंस न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी भी रह चुके हैं। दोस्तों, क्रिस क्रेंस के ऑस्ट्रेलिया में लाइफ सपोर्ट पर जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं।